बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये पूछा गया है कि इफ़ साइन ए प्लस एयोटा बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, शो दैट एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोगों ने इसको किस तरह से प्रूव करना है, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेना है। गिवन दैट साइन ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले को ओपन करना है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, साइन ए कॉस आयोटा बी प्लस कॉस ए साइन आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने क्या करना है, आयोटा वाली टर्म्स को हाइपरबोलिक की फॉर्म में चेंज कर देना है। इस साइड को किस तरह से चेंज होगी, कल भी क्वेश्चन में हमने किया था, साइन ए कॉस वाली टर्म डायरेक्टली चेंज हो जाती है और साइन वाली टर्म का आयोटा बाहर आता है कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, अब हमने दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर देना है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट का नाम दे देना है और इसको सेकंड का नाम दे देना है। उसके बाद देखना है कि हमने जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास है यानी साइन ए वाली वैल्यूज़ को अलग किया गया है। ठीक है, यानी हाइपरबोलिक नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, फ्रॉम 1 वी हैव एक्स ओवर साइन ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बी, इसको 3 का नाम दे दें, एंड फ्रॉम सेकंड यहाँ से हमने कॉस ए को अलग कर दिया और ये साइन हाइपरबोलिक बी बन गया है, इसको नाम दे देंगे 4 का। दोनों को क्या करें, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो स्केयर और सब्ट्रैक्ट करने से लेफ्ट साइड को लेफ्ट में और राइट को राइट में करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, एक्स स्केयर ओवर साइन स्केयर ए माइनस वाई स्केयर ओवर कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्केयर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बी विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हाइपरबोलिक में हमारे पास फंक्शन 1 के इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्केयर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बी ये 1 के इक्वल है और यही हमने प्रूव करना है। इसके सेकंड पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, उसको ट्राई करें, वो हो जाएगा। उसमें आपने हाइपरबोलिक को लेके आना है, तो हमने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन 1 और 2 से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस हाइपरबोलिक बी को इधर लेके आना। ठीक है, यहाँ पे एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक बी, इसी तरह से एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू साइन ए, और यहाँ से आ जाएगा। फिर उन दोनों को आपने जो भी पूछा हुआ है, स्केयरिंग एंड एडिंग पूछा होगा, तो वो आपने उस तरीके से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को।